तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस पर और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज विद मी ईशान अरोड़ा। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 7 आर्टिकल 14 से 18 फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं। इनमें 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब पूरा बैन है अनटचेबिलिटी पर। फिर आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। अब हम डिटेल में इन सब आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 14 का जो टेक्स्ट है वो ये कहता है, स्टेट shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. कुछ चीजें जो ध्यान से देखने वाली हैं, सिर्फ स्टेट के लिए बोला गया है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोला हुआ। नॉट डिनाई एनी पर्सन, सिटीजन नहीं, एनी पर्सन, ये हम डिटेल में डिस्कस पहले कर चुके हैं कौन से राइट्स पर्सन के लिए हैं, कौन से सिटीजन के लिए। आप प्लीज पिछले लेक्चर्स देखते हुए आइएगा तो बहुत फर्क लगेगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हर जगह जहां जहां पर इंडिया की टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन है, नॉट ओनली द यूनियन बट ऑल्सो द टेरिटरी। अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये जो पहला टर्म है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव और पॉजिटिव का हम पिछले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। नेगेटिव का मतलब रहता है कि वो स्टेट को बोलता है कि आप रुक जाइए, आप अगला कदम लेंगे तो व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशलिस्ट स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी पर्सन नेगेटिव है, क्योंकि वो कहती है स्टेट को कि कोई प्रिविलेज मत दो। नेगेटिव कॉन्टेशन है ना, मना कर रही है स्टेट को कुछ करने से। इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय लॉ कोर्ट्स, और नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। मतलब सबसे ज्यादा जो ऊपर है वो लॉ ही है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये तीनों मिलाकर इक्वालिटी बिफोर द लॉ होता है। जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट दिया था एवी डाइसी ने। उनके उसमें एक एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ में होता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, अगर एक कायदा है, कानून है और लॉ बना हुआ है तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति बिना कोई लॉ तोड़े पनिश नहीं हो सकता। मतलब जब तक किसी ने कोई रूल या लॉ नहीं तोड़ा है उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजंस टू द ऑर्डिनरी लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब बराबर हैं, वही इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि संविधान जो भी हो वो इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर नहीं है। ये तीनों चलते हैं मिलाकर ब्रिटेन में। इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमारे पास है ही, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर भी हमारे पास है, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन इंडिया। क्योंकि हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी पहले इंडिविजुअल राइट था, बाद में वो पार्लियामेंट ने हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, द रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एन अमेंडमेंट। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं माना जाता, बाकी के दोनों ऊपर के इंडिया में अप्लाई होते हैं और वैसे ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज पर आ जाते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये आया है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस एज वेल एज लाइबिलिटीज। इसका मतलब कि अगर दो व्यक्ति हैं, उन पे अगर कोई डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी लग रही है, जैसे कि अगर मैं 5 लाख रुपीज से ऊपर कमाता हूं तो मेरे को 10 रुपए टैक्स भरना है, तो अगर एक और व्यक्ति है जो 5 लाख रुपीज से ऊपर कमाता है उसको भी 10 रुपए ही लगना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि दोनों सेम पोजीशन में है पर उसको आप कम पैसे काट रहे हैं या दूसरा। और प्रिविलेजेस भी अगर है तो क्या होना चाहिए कि अगर 2 लाख रुपए वाले को जीरो इनकम टैक्स भरना है तो अगर कोई और व्यक्ति हो जिसका 2 लाख है तो उसको भी सेम वो मिले। अगर इसको कोई प्रिविलेज है तो वो आर्बिट्रली ना हो। दूसरी बात, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, इसका भी मोर और लेस सेम ही मीनिंग है। और लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें मेन पर्पस ये है, पूरे इसका जो 3 अलग अलग तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को समझाने का मुद्दा ये है कि अगर कोई 2 व्यक्ति जैसे मान लीजिए एक रेस कर रहे हैं, ए और बी, ए और बी दोनों स्टार्टिंग लाइन से एक साथ खड़े हों और फिनिश लाइन दोनों के लिए बराबर हो, पर अगर बी के लिए किसी कारण यहां पर स्टार्टिंग लाइन है तो वो जरूरी है कि ए से जीत ही जाएगा, तो इनको इक्वल लाने के लिए या तो आप बी ए को भी आगे लाएंगे या बी को पीछे लेकर जाएंगे। तो ये जो स्टेप स्टेट लेगी 2 लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाने का, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं जो अपर कास्ट है वो थोड़ा सा आगे है बैकवर्ड कास्ट से, तो इसीलिए बैकवर्ड कास्ट के लिए हम सीट्स रिजर्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का व्यू इस पर ये है, जब इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। मतलब कि जब कोई 2 लोग हैं, जैसे एक मेल अडल्ट है और एक फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर इन दोनों को अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है कि अगर उनको वेलफेयर स्कीम में कोई प्रोविजन मिल रहा है तो आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें भी जो है हॉस्पिटल का फ्री खर्चा दीजिए, क्योंकि स्टेट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है औरतों को स्पेशल प्रिविलेज देने के लिए, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं ही नहीं। औरतों को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट सपोर्ट कर रही है, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने गलत किया। इसके बाद, व्हाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय द लॉ। अब जो सरकार क्लासिफिकेशन करती है वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए या इवेजिव नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ही नहीं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बेनिफिट करने के लिए वो दे दिया हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, कि असलियत में उनमें कोई फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले कि एक डेट के बेसिस पर जो इस डेट के बाद पैदा हुए हैं उनको ये दे रहे हैं, जो इस डेट से पहले हुए हैं, क्या डिफरेंस तो वहां पर है बट क्या लॉजिक है कि इनको ज्यादा स्पेशल प्रिविलेज चाहिए और उनको नहीं चाहिए, तो ये चीजें होनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल आया था लिकर बैन केस का भी, जहां पर केरला गवर्नमेंट ने 5-स्टार होटल्स में तो अलाउ करा था लिकर ड्रिंक करना बट बाकी सब जगह बैन कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्या जो लोग रिच हैं उनको अल्कोहल अलग तरीके से इफेक्ट करता है या उनके एथिक्स और मॉरल्स अलग हैं, तो उसकी जो स्टैंडिंग है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दी। फिर एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, इसमें 2 तरीके की हैं, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं और दूसरा अदर्स। पहला है आर्टिकल 361, ये जो अप्लाई करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। ये मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा, ये आपको बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा, तो बस आप इसको एक बार देख लीजिए और रट लीजिए। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस के लिए द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, मतलब अदरवाइज हमारी अगर कोई पावर है या ड्यूटी है कोई भी हमारा ऑफिस हो तो हम जा सकते हैं, हमें कोर्ट में बुलाया जा सकता है बट प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं। दूसरा, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर टर्म चल रहा है उनका, मतलब वो पावर में है, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, चाहे वो उन्होंने पहले किया हो, बाद में किया हो, चाहे जो भी चीज हो, वो नहीं हो सकती। दूसरा, प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता जब तक एज लॉन्ग एज ही होल्ड्स ऑफिस। तीसरा, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती उनके खिलाफ जो कि पर्सनल कैपेसिटी में भी करी हो, उस अगर आपको वो करना है तो आपको पहले 2 मंथ्स का नोटिस देना ही पड़ेगा। इसके बाद ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 361A में, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो कि पार्लियामेंट
या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कोई ऐसी खबर छाप रहा है जो कि सब्सटेंशियली ट्रू है, तो उनके ऊपर केस नहीं चल सकता। वैसे कोई भी न्यूज़पेपर क्लिप को आप कोर्ट केस में लेकर जा सकते हैं। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो है ये यूनियन लेवल के लेजिस्लेचर पर या पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है लेजिस्लेचर्स को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चाहे वो कुछ भी बोलें पार्लियामेंट में या कोई भी वोट करें, उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। सेम चीज आर्टिकल 194 देता है स्टेट लेवल पर। अब ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लोगों का बात पार्लियामेंट तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि रूलिंग पार्टी उनको जेल में डलवाना शुरू कर दे। अब आर्टिकल 31 का जो सी है उसमें ये कहा जाता है कि 39 आर्टिकल का बी और सी पार्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डीपीएसपीज के चैप्टर में। ये जो 361 से 31 सी तक जो हमने देखा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। जो फॉरेन सॉवरेन रूलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए हुए हैं, तो आप उनको जेल में नहीं डाल सकते। फिर उनके एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स या इंडियन डिप्लोमैट्स या ये सब, इन सबको या यूनाइटेड नेशंस के लोग, इनके ऑफिशियल्स, उनकी एजेंसीज, ये सबको भी रूल ऑफ इक्वालिटी से थोड़ा सा एक्सेप्शंस मिले हुए हैं। अब हम आ गए हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, यहाँ पर सिटीजन है ध्यान रखिएगा, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके अलावा अगर कोई कैटेगरी हो तो वहां पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। आर्टिकल 15 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू शॉप में जाने के लिए, कोई रेस्टोरेंट में बैठने के लिए, होटल्स या पब्लिक प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, अगर वो उन सब जगहों पर जा रहे हैं जैसे वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड पार्टली और होली बाय द स्टेट और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पर, इन चीजों पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसलिए आप देख रहे हैं कि साबरीमाला वाला इशू भी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, क्योंकि टेम्पल जो है वो एक पब्लिक प्लेस है फॉर वर्शिप, और वहां पर औरतों को अगर नहीं जाने दिया जाता तो वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स होता है। तो हम लोग कुछ सोचते हैं कि ये हमारे कस्टम्स का बहुत पुराना पार्ट है, तो वो भी एक ठीक बात है, बट फैक्ट ये है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 से अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 का जो डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों से बचाता है। जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है वो सिर्फ स्टेट से बचाता है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टेट शैल लिखा है, यहाँ पे नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, यहाँ पर सिर्फ स्टेट नहीं लिखा। अब जैसे हमने आर्टिकल 14 में एक्सेप्शंस पढ़े थे, इधर भी कुछ है। जो सरकार है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है वेमेन और चिल्ड्रन के लिए। जैसे मैंने आपको 14 में भी बताया था कि हम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ स्कीम्स हो गई या वेमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम है और बच्चों के लिए उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए, तो ये सब चीजें सरकार कर सकती है। दूसरे जो स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा एडवांसमेंट सोशी SEBCs के लिए या जो भी SCs हैं या STs हैं उनको एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलता है वो इनसे मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं लग सकती। इन शॉर्ट इस वाले पार्ट का ये मतलब है कि अगर सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है तो वो ये नहीं माना जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी को कोई मना करा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। क्योंकि अगर 100 सीट्स हैं उसमें से अराउंड जितना भी नंबर हो, हम इंडिया का एग्जांपल नहीं ले रहे, अगर कोई और भी करता है 100 में से कुछ सीट्स में सिर्फ कोई ए टाइप ऑफ पर्सन जा सकते हैं, तो बाकी लोग कहेंगे कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो इस चीज के लिए एक्सेप्शन यहां से मिलती है। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स
in the matters of public employment or office under the state. इसमें जो है स्टेट रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस पे आपको नहीं रोक सकती. कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप जैसे हिंदू हो सिख हो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो आप इस जॉब को नहीं ले सकते या सिर्फ इस बेसिस पर या आपकी रेस ये है आपकी कास्ट ये है यू विल नॉट बी अलाउड दिस जॉब. तो इन सब चीजों के लिए बट एक्सेप्शंस ये हैं. पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन. समझने वाली बात केवल इतनी ही है कि अगर रेजिडेंस एक कंडीशन लगानी है वो तब हो सकता है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में भी और फॉर लोकल अथॉरिटी किसी भी ऑफिस में पार्लियामेंट ही कर सकता है लेकिन अगर रेजिडेंस एक कंडीशन चाहिए हो तो. स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज. इसके अलावा कोई लॉ आ सकता है ऐसा कि बोल दिया जाए कि इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन. इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिलीजियस बॉडी है तो वहां पर तो पूजा करने के लिए तो पंडित जी ही जाएंगे ना मंदिर में. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कोई बोले कि मैं दूसरा रिलीजन फॉलो करूंगा और पर पूजा उस मंदिर में मैं ही करूंगा. तो ये एक चीज है कि एक लॉ इस हिसाब से आ सकता है. इन जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं इसमें हम अपने आप को बेसिक्स में कन्फाइन कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है पर्सन को समझ ही नहीं आता कि जो चीज न्यूज में आ रही है वो आ क्यों नहीं है. बट इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आजकल न्यूज में आ रही हैं तो प्लीज आप अमन सर का करंट अफेयर्स के लेक्चर रेगुलरली सुनिए तो ताकि आप बेसिक्स के साथ साथ करंट को लिंक कर पाए. जैसे रिजर्वेशन का केस है साबरीमाला का इशू है या असम में कोई डेवलपमेंट होती है तो इन सब चीजों को ध्यान से देखने के लिए आप प्लीज करंट अफेयर्स भी अच्छे से फॉलो कीजिए. अब आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है. अब इसमें क्या इशू होता है कि हमारे देश में आजाद होने से पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पर तो उस चीज को खत्म करने के लिए या अनटचेबिलिटी जैसी गलत प्रथा को खत्म करने के लिए हमारा एक फंडामेंटल राइट आया है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी अब से. बट केवल लिख देने से तो ऐसा होता नहीं है तो अगर कोई लॉ बनाना है तो ये जो बात है आर्टिकल 17 की वो केवल एक लॉ से हो सकती है. और जब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कुछ होते हैं सेल्फ इन्फोर्स्ड कुछ के लिए लॉ बनाना पड़ता है तो आर्टिकल 17 के लिए लॉ बनाना पड़ेगा. अब प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा तो कौन सी बॉडी है जो ऐसे लॉ बना सकती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर. 1955 में एक एक्ट आई थी द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट. 1976 में द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया. इससे रिलेटेड फंडामेंटल करंट अफेयर्स में भी बहुत न्यूज है. आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कौन सी वो राइट एक्ट है जो अभी अभी एनडीए गवर्नमेंट ने भी पास करी. द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय द रीजन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. मतलब अनटचेबिलिटी खत्म होने से जो जो राइट्स मिलते हैं पर्सन को वो सारे जो है आपके सिविल राइट्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट. मतलब जो एक्ट है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाह रही है उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी है. तो ये बहुत ज्यादा आपको अजीब लग सकता है और अगर पेपर में पूछ लिया जाए द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन तो ये टर्म याद रखना है कि इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट मैसूर हाई कोर्ट में एक बार केस हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि अनटचेबिलिटी का लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस नहीं लेना बट इट इज द प्रैक्टिस विच इज डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री. जो ऐतिहासिक यूज है अनटचेबिलिटी का हम उसी को मानेंगे जो कि होती है सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेज ऑफ पर्सन क्योंकि उनका कहीं पर जन्म हुआ है और इस बात पर उनको एक्सक्लूड कर देना कई जगहों से रिलीजियस सर्विसेज से वाटर टैंक से तो हम इन सबको ही मानेंगे. जो ये ऑफेंसेस हैं इन पे फाइन भी लग सकता है 6 मंथ्स की जेल भी हो सकती है PCRA एक्ट में और नई वाली जो एक्ट है वो आप करंट अफेयर्स से फॉलो करेंगे. इसके साथ साथ अगर कोई अनटचेबिलिटी के ऑफेंस में गिरफ्तार कन्विक्टेड होता है
तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. द एक्ट डिक्लेयर्स द फॉलोइंग इज एज ऑफेंसेस, कि अगर किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी, चाहे ट्रेडिशनली करो, रिलीजियसली, फिलोसॉफिकली, या जैसे भी आपने अनटचेबिलिटी जस्टिफाई कर दी. तो इसके अलावा आपने डिनाई कर दिया एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. किसी को इंसल्ट करना कि आपकी कास्ट ये है, या रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और होस्टल्स. टीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Refusing to sell goods or render services to any person. Supreme Court held that the right under Article 17 is also available against private individuals. और state का बहुत ज़्यादा role है कि वो ensure करे कि कोई भी right violate नहीं होता. Article 18, जो titles हैं ये मैं आपको बहुत short करके दे रहा हूँ, वहाँ books में बहुत ज़्यादा long सा दिया हुआ. जो Article 18 है इसके तहत स्टेट कभी भी किसी को भी कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकती. इंडियन सिटीजन जो है वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता. पर अगर कोई फॉरेनर है हु इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मतलब अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या कोई ट्रस्ट के वो अधिकार है, तो उनको प्रेजिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. दूसरा, अगर भारत सरकार या किसी को भी कोई प्रेजेंट मिल रहा है इमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम फॉरेन स्टेट, मतलब कोई सरकार में काम कर रहा है या पर्सन है या सिटीजन है हु इज होल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ ऑफिस और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनको प्रेजिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया कि आप पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सब चीजें लोगों को देते हैं, ये अवार्ड्स देते हैं, तो क्या ये भी तो टाइटल है, आपने ये कैसे दे दिया? तो इन्होंने ये कहा कि टाइटल का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर किसी की मेरिट को रिकॉग्नाइज करा है. ऐसा नहीं है कि अगर हमने टाइटल देने किसी को बंद कर दिए तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का मेरिट भी नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, या जो लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं हम उसको भी नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे. बात केवल ये है कि हेरिडिटरी, जन्म से ही किसी को कोई टाइटल नहीं मिल जाएगा, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, किसी को महाराजा बोल दिया, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, ताकि एक कॉमन लोगों से उन लोगों की अलग पहचान बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को टाइटल देंगे महाराजा, तो वो अपने आप को सही में महाराजा मानेंगे और बाकी प्रजा को नीचे, बट वो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है. ताकि कोई स्टेट ऐसा काम ना करे कि किसी व्यक्ति को विशेष टाइटल दिया जाए या कोई अधिकार दिया जाए, इन चीजों के लिए ये हटा दिया गया. बट उन्होंने ये कहा कि ये अवार्ड है जो मेरिट को रिकग्नाइज करते हैं, बट जो पर्संस हैं वो अपने नाम के आगे इनको ना लगाएं, अदरवाइज दे शुड फॉरफीट दीज अवार्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द लेक्चर. और अगर आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो टेलीग्राम पर ये मेरा आईडी है, आप प्लीज़ इस पर मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी डाउट्स और एनी क्लैरिफिकेशन. थैंक यू सो मच.